संगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पेंशन योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का सही पात्रों को लाभ मिले, इसके लिए पात्र कामगारों में पंजीयन कराने की होड़ मची हुई है। ये नज़ारा सोमवार को भीलवाड़ा जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, भीलवाड़ा मजदूर संघ एवं लघु उद्योग भारती भीलवाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में भीलवाड़ा रिको फोर्थ फेज में मंगलयान यार्ड परिसर में आयोजित पंजीयन शिविर में नजर आया। शिविर में करीब 390 असंगठित कामगारों ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में अपना पंजीयन करवाया। शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक राहुल देव सिंह, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष महेश खुरकट एवं भीलवाड़ा मजदूर संघ के अध्यक्ष पन्नालाल चौधरी ने किया। शिविर का अवलोकन करने के लिए उप श्रम आयुक्त करण सिंह यादव सहित कई उद्यमी भी पहुंचे। ये मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजना है और इसको तरह तरह उतारने के लिए कोई ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाभ मिले गरीबों को, ये सोच के साथ तो भीलवाड़ा मजदूर संघ और मेरे साथी सारे, मेरी पूरी टीम और लघु उद्योग भारती और जिला उद्योग के सहयोग से बोले ये कार्यक्रम हमने चलाया है। तो हमारा निरंतर हम ये सोच रखते हैं कि निरंतर चलता रहे और इससे सारे मजदूर जो ये संगठित है वो इसमें जुड़े। और टारगेट का तो ये है कि टारगेट तो देखो हमारे सामने ये पहला कैंप है, बाकी ब्लड कैंप वगैरह तो हम बता से टारगेट फिक्स हो जाता है। हमने सोचा है भाई 500, बाक़ी प्लस कितने भी हो सकते हैं। कार्यक्रम में राहुल देव जी आए जिला उद्योग से और लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष हमारे महेश जी उरगढ़ और हमारे पदाधिकारी साकी हमारे भाई सब और बाकी हमारे छेड लोग और बहुत सारे जो बुलाए अतिथि सब आए। धन्यवाद। बिल्कुल, ये जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है गवर्नमेंट की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक हैं, कार्मिक हैं, उन सबको किस तरह उनके भविष्य को कैसे सुरक्षित किया जाए उससे संबंधित योजना है। तो ये वर्ष 2019 से जारी योजना है, आज जो कैंप हुआ है वो लगातार चलेंगे रिको ग्रोथ सेंटर में और दूसरे जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ पर भी विभिन्न औद्योगिक संघों लघु उद्योग भारती और भीलवाड़ा मजदूर संघ आदि के सहयोग से इनका आह्वान करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक लोक कल्याण की योजना है और भारत एक वेलफेयर स्टेट है और श्रमिकों के हित में, कार्मिकों के हित में जो योजनाएं बनती हैं, जो नीतियां बनती हैं वो दूरगामी लक्ष्यों को ध्यान में रख के बनाई जाती है और उसके अनुरूप इनका फ़ायदा हर एक श्रमिक को एंड तक मिलेगा जब तक जैसा इसमें प्रावधान किया गया है। और इसमें किसी को शंकित नहीं होना चाहिए क्योंकि पूरी आशावादिता के साथ